ओके तो अगर आप रूट यूजर से वेयर लिब के अंदर डॉकर, इसके अंदर होता है एक फोल्डर ओवरले टू, ओके अगर आप यहां जाते हो ओवरले टू, यहां पर देखते हो तो जो भी इमेज आपकी पुल होती है उसका एक यहां पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, ओके रेंडमली उस नेम से। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी एक ये पुल हुई 3384, ओके तो यहाँ पर उससे रिलेटेड एक फोल्डर क्रिएट होगा। और अगर आप जैसे किसी भी एक फोल्डर में जाते हो ना पेस्ट, यहाँ पर अगर आप जाते हो डिफ, आपको तीन फाइल्स मिलती है डिफ कमिटेड एंड लिंक। मैं अगर डिफ में जाता हूँ तो आपको कंप्लीट फाइल सिस्टम यहाँ पे मिलेगा, अच्छा जो फाइल सिस्टम आप वहां हो रहा है ना वो बैकएंड में यहाँ माउंटेड है। ट्राई टू रिलेट द थिंग, जो ये थिंग्स हमारी होती है सी एच रूट टाइप की, ओके जो सी एच रूट होता है, जस्ट लाइक सी एच रूट में क्या होता है, हमारा एक जो फाइल सिस्टम होता है ना वो हमारा होता है जस्ट लाइक बैक एक किसी फोल्डर में, राइट right? तो बैकएंड में हमें काम कहाँ करना होता है, यहाँ पर। अगर मैं इस स्लैश होम में कुछ बनाता हूँ ना तो ये मेरे बेस मशीन के स्लैश होम में नहीं बनाएगा, ये एक अलग से फाइल सिस्टम है, ओके तो ये डिफ के अंदर जो ये होता है ना, ये एक अलग से फाइल सिस्टम यहाँ पर होता है। यही जब हम एक इमेज जैसे सेंटोस की इमेज क्रिएट करते हैं ना तो ये फाइल सिस्टम वहां पर क्रिएट होता है, इसकी एक कॉपी वहां पर बनती है। अच्छा यहां से लेता है कंटेंट, कहने का यस मतलब है। लेकिन यस एग्जैक्टली वो यहां से लेता है। हम तो स्लैश में काम करते हैं कंटेनर में। अब हम स्लैश में काम करते हैं बट वो हम बेस मशीन में नहीं करते ना, वो हम कंटेनर में करते हैं, अच्छा राइट। तो कंटेनर में जो वो अपनी जो अपना फाइल सिस्टम होता है ना वो यहाँ से लेता है, वो इमेज जो हमने डाउनलोड करी ना सेंटोस की, उस इमेज को एक तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे ना तो ये सब कुछ हमको फाइल सिस्टम मिलेगा। तो हमको यहाँ से भी यहाँ जो डेटा है और कंटेनर के अंदर जो जाके देखेंगे, जैसे स्लैश होम के अंदर यस यहाँ पर एक फाइल पड़ी है एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो सेम होगा। जैसे तो स्लैश टेम्प है, अच्छा यहाँ पर देखो स्लैश टेम्प आपको कुछ अलग दिख रहा है, ओके एस आर वी एस बिन है। अगर मैं एक सेंटोस की इमेज कंटेनर क्रिएट करता हूँ ना तो सेम मुझे यही कंटेंट मिलेगा क्योंकि वो यहीं से लिंक क्रिएट करता है बैकएंड में, ओके तो ये होता है हमारा। अब आज हम एक बेसिक सी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, जो मैं अपने टेस्ट यूजर से वापस लॉगिन कर लेता हूँ, ओके तो अगर मैं डॉकर पीएस करता हूँ तो अभी कुछ भी मेरा रन नहीं कर रहा है, राइट। अब अगर मैं मेरी डॉकर इमेजेस करता हूँ तो मेरे पास दो इमेज है, ओके जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए मिनट यार, ओके तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज करो मैं एक सेंटोस का कंटेनर क्रिएट करता हूँ तो मैं कमांड होती है मेरी डॉकर रन हाइफन आई इंटरेक्टिव टर्मिनल, ओके आईटी एंड देन मेरी इमेज का नाम, ओके तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मेरे को कंटेनर में लॉगिन करा दिया मेरे को, ओके तो जो अब मैं बेस मशीन पे स्लैश जो मेरा टेस्ट यूजर से काम कर रहा था ना वो नहीं है। अब मुझे अगर आप देखोगे ना हु एम आई, तो यहाँ पर रूट है, ये कंटेनर का है, ओके तो अब मैं कंटेनर के अंदर लॉगिन कर लिया। अब मैं अगर एलएस करता हूँ ना तो देखो मेरा ये जो फाइल सिस्टम है ना ये मेरा कंटेनर का फाइल सिस्टम है ना कि मेरी बेस मशीन का है ये, ओके अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एक मेरे स्लैश के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ टेस्ट के नाम से, ओके तो यहाँ मेरे टेस्ट टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब मैं इस कंटेनर्स को एग्जिट करता हूँ, इससे बाहर आता हूँ, अगर अगर मैं यहाँ पर आकर स्लैश में देखता हूँ ना तो मेरी वो टेम्प डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो मेरी कंटेनर में थी, ओके और अगर मैं डॉकर पीएस करता हूँ ना तो वो मेरा कंटेनर भी अब रनिंग में नहीं है क्योंकि मैं वहां से एग्जिट कर चुका। अगर मुझे वो देखना है तो उसके लिए ऑप्शन होता है हाइफन ए। तो अब देखो आपका यहाँ पर लिस्ट करता है कंटेनर आईडी क्या है, आपके कंटेनर आईडी ये, इमेज कौन सी यूज करी सेंटोस,
ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कमांड. मतलब आप होता क्या है, हम जो चीज कर रहे हैं ना क्यूबरनेटीज, वो बेसिकली दो टाइप के हमारे आर्किटेक्चर होते हैं. एक होता है माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. दूसरा होता है मोनोलॉथिक आर्किटेक्चर. हमेशा ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलॉथिक. तो बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर सपोज करो आपका एक सर्वर है, ओके, और इस एक ही सर्वर पे आपने अपाचे भी चला रखा है, MySQL भी चला रखा है, PHP भी चला रखी है ना, सब कुछ एक ही सर्वर पे चला रखा है, और इन केस आपका सिस्टम डाउन हो गया तो आपकी सारी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी. तो ये होता है हमारा मोनोलॉथिक आर्किटेक्चर. बट आपका माइक्रो सर्विसेज का जो आर्किटेक्चर है वो क्या बोलता है कि इंस्टेड ऑफ आपके जो सर्विसेज है वो एक सर्वर पे रन करने की बजाय, आप क्या करोगे, उन सर्विसेज को अलग-अलग होस्ट पे रन करोगे. ओके, इन सर्विसेज को आप डिफरेंट डिफरेंट होस्ट पे रन करते हो, और सपोज करो यहाँ अपाचे या माई एसक्यूएल, यहाँ PHP रन कर रही है, यहाँ अपाचे, यहाँ माई एसक्यूएल, यहाँ PHP रन कर रही है, सेम ही आपका अपाचे PHP एंड माई एसक्यूएल रन कर रही है. तो ये आपका पर्टिकुलर होस्ट है और ये आपका उस होस्ट के अंदर एक कंटेनर है. ओके, बट अगर आप माइक्रो सर्विसेज यूज कर रहे हो ना, तो एक कंटेनर में एक से ज्यादा प्रोसेस कभी भी रन नहीं करनी चाहिए, जब तक कि उसकी कोई कंडीशन ना हो. क्योंकि कुछ कंटेनर्स होते हैं, उनकी कुछ कंडीशन होती है कि उनके साथ में वो प्रोसेस रन करनी चाहिए, तब बात अलग होती है. अदरवाइज आपके एक कंटेनर में एक ही सर्विस रन करनी चाहिए, वो आर्किटेक्चर होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. और आजकल जो कंपनीज यूज कर रही है वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज कर रही है. पहले जो कंपनीज यूज करती थी वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज करती थी कि एक ही सर्वर पे आपका. ओके, चल रहा है ना, वही है ना। अच्छा, जो यूज करते आ रहे हैं हम पहले से। यस, जो अब तक यूज करते आ रहे थे वो हम यूज करते थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. जो अपाचे PHP, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, एक क्लस्टर और क्रिएट कर दिया. बट अपाचे PHP MySQL मल्टीपल प्रोसेस तो उस पर भी रन हो रही है. सपोज करो आपका लोड आ रहा है और आपकी एप्लीकेशन स्लो हो गई, तो भी आपका लोड तो मतलब रेस्पॉन्स तो उस होस्ट से मिल रहा है, तो स्लो तो हो ही गई ना आपकी साइट. पर अगर आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज करते हो तो आपका लोड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इन केस अगर आपका ये होस्ट भी डाउन हो जाता है तो भी आपकी एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल रहेगी यहाँ से और यहाँ से. ओके, वो हम आगे देखेंगे क्यूबरनेटीज में कि कैसे होती है. ओके, तो ये होता है माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में डिफरेंस. ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लेना इसको. ओके, तो यहाँ पर आपकी एक कमांड रन होती है जो कि इस कंटेनर को अप रखने में काम आती है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या कमांड रन हुई थी, बिन बैश. ओके, तो बिन बैश तो एक बैश शेल हुई, तो शेल तो क्या हुआ, जैसे मैं एग्जिट हुआ उससे, वो शेल से एग्जिट हुआ तो मेरी ये एग्जिट कंडीशन में आ गई, क्योंकि मैं शेल से तो एग्जिट ही हो गया. ओके, और यहाँ पर मैंने क्या कमांड यूज करी थी, बैश कमांड यूज करी थी, तो इसीलिए क्या हुआ, ये मेरा कंटेनर एग्जिट कंडीशन में आ गया. और यहाँ पर एक नेम मिला इसको रेंडमली, और इसका मैंने कोई पोर्ट असाइन करा ही नहीं, क्योंकि सेंटोस खुद एक ओएस ओएस है, तो ओएस का कोई पोर्ट नहीं होता, तो यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है. ओके, अब अगर मुझे इससे अप रखना है, मैं चाहता हूँ कि ये अप ही रहनी चाहिए, तो मुझे क्या क्या करना होगा, डॉकर रन हाइफन -it के साथ में मुझे ऑप्शन होता है डी. ये क्या करेगा, डिटेच करेगा किसको कर रन करना है, मेरी इमेज नेम रन. इसे इसने बैकग्राउंड में रन किया. आपकी बार आपने नोटिस किया होगा, पिछली बार क्या हुआ था, मैंने डायरेक्टली उसमें लॉगिन ले लिया था, राइट. मैं यहाँ पर देखो, मैंने IIT रन किया तो उसमें डायरेक्टली लॉगिन कर दिया, बट मैं IIT D यूज करता हूँ तो ये इसने क्या किया, डॉकर अगर PS रन करता हूँ तो देखो मेरा ये कंटेनर अब अप है, 17 17
सेकेंड से ये अप ही रहेगा। यस ये अप रहेगा अंटिल और अनलेस आप रिस्टार्ट नहीं करते सर्विस को, बंद नहीं करते आप इसको। हाँ अगर आप इस कंटेनर में लॉगिन करते हो और फिर आप वहां एग्जिट कर देते हो तो ये डाउन हो, वापस एग्जिट कंडीशन में आ गया, क्योंकि यहाँ कमांड क्या फायर हुई, बिन बेश, तो एक बेश फायर हुई और आपने बेश में लॉगिन करके उसको एग्जिट कर दिया तो ये फिर एग्जिट हो जाएगा। अब देखो आप हर इस कंटेनर में लॉगिन करने के लिए कमांड होती है आपकी डॉकर exec-it देन कंटेनर की आईडी, ओके। इसके बाद में आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है इसके आगे बेश, कि आपको ये तो है बट इस कंटेनर में लॉगिन के कहाँ करोगे आप, बेश में ही तो करोगे। यस आपने अब देखो ये वापस आप एक कंटेनर में लॉगिन हो गए, आप यहाँ कुछ भी करो, आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करो, डिप्लॉय करो, सब कुछ आप यहाँ कर सकते हो। इससे आप जो ही एग्जिट करते हो तो आपने उस बेस को एग्जिट कर दिया। अब अगर डॉकर पीएस करोगे ना तो यहाँ पर आपको देखो ये अभी एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पर बेस कमांड यूज करी थी। इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप डॉकर लॉगिन और कंटेनर आईडी, वेयर इज कंटेनर आईडी, सॉरी डॉकर लॉगिन नहीं है, इसके लिए कमांड होती है डॉकर जनरली क्या होता है हमारे डॉकर यूज में नहीं होता, क्यूबरनेटीज यूज में होता है तो कमांड से। तो ये कंटेनर तो हमेशा चालू रहने चाहिए ना, अप एंड रनिंग होने चाहिए ना। यस उसके ये मैं बताऊंगा, ओके इसकी कमांड होती है अटैच, ओके तो इस कमांड से आप डॉकर अटैच कमांड से आप लॉगिन कर सकते हो पर्टिकुलर कंटेनर में। अब अगर आप एग्जिट करते हो यहाँ से और अब अगर डॉकर पीएस करोगे तो यहाँ पर देखो आपका जो कंटेनर है वो एग्जिट कंडीशन में चला गया। ps-a करो तो देखो ये आपका ये वाला था, ओके नाइस बोमैन वाला। तो स्टेटस अगर इसका स्टेटस अप रहना चाहिए ना हमेशा, अगर इस पे एप्लीकेशन रन कर रही है तो लाइव एप्लीकेशन। यस तो हम जो प्रोडक्शन में कभी भी डिप्लॉय करते हैं तो वो इस तरीके से नहीं करते हैं, उसका अलग मेथड होता है, वो मैं आपको आगे के अपकमिंग में जो सेशन होंगे वो उसमें बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं। क्योंकि इसका भी ये है कि जैसे सपोज करो आपने वापस से मैं एक कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ डॉकर रन -itd CentOS, ओके डॉकर पीएस, ठीक है सपोज करो आपका कोई कंटेनर चल रहा है, ठीक है। और क्योंकि कई बार क्या होता है आपके जो सिस्टम्स होते हैं वो रिबूट होते हैं या आपकी सर्विसेज रिस्टार्ट होती है, तो अगर मैं अपनी सिस्टम CTL रिस्टार्ट डॉकर अगर मैं सर्विस रिस्टार्ट कर देता हूँ तो आप अब अगर आप देखो यहाँ पे डॉकर पीएस आपका जो कंटेनर था वो एग्जिट हो गया। तो ऐसे तो क्या होगा कि आपने आप आपके मान लो आपने 500 कोई कंटेनर क्रिएट करे या 100 कंटेनर क्रिएट करे और आपने सर्विस रिस्टार्ट करी, तो अब मैनुअली तो आप बैठ के सबको अप नहीं कर सकते एक एक को, क्योंकि आपके तो सारे कंटेनर बंद हो गए, आपके तो सारे डेवलपर चिल्लाने लग जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो वो क्या होगा कैसे डिप्लॉय करेंगे वो कल देखेंगे अपन आगे की स्लाइड में, अभी तक के लिए ये इन चीजों पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। एक साथ अपन नहीं भागेंगे, अपन 2 या 3 दिन में मैक्सिमम ये डॉकर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्यूबरनेटीज, ओके। तो एनी क्वेश्चन टिल नाउ, देन यू कैन कम अप विथ योर क्वेश्चन, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप ऑफ द सेशन। नो क्वेश्चन मैं ठीक है देन, ठीक है या बाय। तो अपन ओके जस्ट अ मिनट आपसे फिर जाएंगे।